तो हेलो गाइस, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे ब्लॉग वीडियो में। तो आज मैं जा रहा हूँ खेत पर सोयाबीन में बेले उपाड़ने, जो काकड़ी की जो बेले रहती है। तो आप मेरे साथ इस ब्लॉग पे बने रहिए और मेरे इस वीडियो को लाइक करना और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एक बेल ये रही, इसको उपाड़ना है, ये जड़ से उपाड़ना है इसको पूरा। ये पूरी जड़ से उपड़ गई, अब ये चलेगी नहीं। ये क्या है, फिर बाद में अगर ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर दवाई छांटने में, सोयाबीन काटने में दिक्कत आती है, इसलिए इनको अभी उपाड़ देना है। सोयाबीन छोटी है और ये बेले भी छोटी है, तो दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से बेले मिल जाएगी और उपड़ जाएगी। तो ये खलसी में पानी भर गया है यहाँ पर, और उधर वो देसी खाद, ये देसी खाद पानी में मिल गया, जिसकी वजह से यह सड़ जाएगा। तो गाइस, फाइनली इस खेत में से सारी बेले बीन ली है, अब जा रहे हैं दूसरे खेत में। तो ये पूरा 3.5 बीघा का खेत है, इसमें से बेले बीनी हमने। तो यहाँ पर छतरी है, ये लेनी है, क्योंकि पानी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ जाए। ये कितना चारा हो रहा है सोयाबीन में, दवाई छाटी लेकिन फिर भी नहीं मरा है। तो गाइस, अभी बारिश आ गई इसलिए हम थोड़ा रुक गए। ये टापरी में भी बेले चल रही हैं, दीवार पे बेले चल गई हैं, ये केलो फूटे पड़े हैं। उस साइड ये ज़ोर से बारिश आ रही है, फिर धूप निकल गई है। तो अभी बारिश की वजह से पत्ते गीले हो गए हैं,